Hi guys, I'm Mukesh. Today I'm gonna teach you how to find out the common error in tenses. So without wasting any time, let's get started now. Because a lot of students who get confused how to find out common error and how to know which tense is correct. And to get rid of these problems, I am making this video. So आज का lesson start करते हैं. तो हमारे कॉमन एरर के कुछ सेंटेंस लिए हैं मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है. आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर. ही जस्ट वेंट आउट. यू डिड नॉट कम्प्लीट योर होमवर्क. डिड राम किल्ड रावणा. सी इट्स मैंगो. ही इज इल फ्रॉम टू डेज. आई हैड बैड कॉल फ्रॉम यस्टरडे. माई फादर गो टू ऑफिस डेली. ही इज हियरिंग. वाई आर यू नॉट स्पीक इंग्लिश. दिस ऑल सेंटेंस आर इनकरेक्ट. यहाँ पर जितने भी सेंटेंस मैंने यहाँ पर राइट किए हैं इसमें से सारे सेंटेंस रॉन्ग है. ठीक है, अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है इसमें क्या एरर है, इस सेंटेंस में क्या एरर है. तो आ जाते हैं पहले सेंटेंस में. आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर. आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर. तो इस सेंटेंस को यदि हम लोग देखें तो आप लोगों को लगेगा ये सेंटेंस करेक्ट है, बट दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. वाई? I have completed my graduation. मतलब यहाँ से यहाँ तक ये sentence हुआ, ये present perfect tense का sentence है. Subject plus has have plus V3 plus object. Okay? But यहाँ पर जो एक word आया है last year, ये जो word है last year, इस sentence को wrong कर दिया. किस तरह से? जब भी last year, ये जो last word जो होता है last year, okay friends, and last week, लास्ट मंथ, इस तरह का जब वर्ड्स आ जाता है किसी सेंटेंस में तो वो ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं. इट मीन्स दैट सिंपल पास्ट टेंस में बनाए जाते हैं. तो ये सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा? तो करेक्ट क्या होगा, यहाँ पर कॉमन एरर क्या है, यहाँ एरर है हैव. तो यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए. आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर. दिस सेंटेंस इज करेक्ट, दैट्स ऑल. कम टू नेक्स्ट सेंटेंस. ही जस्ट वेंट आउट. He just went out. यदि इसकी हिंदी बोले तो वह तुरंत बाहर गया. वह तुरंत बाहर गया. तो इस सेंटेंस में कॉमन एरर है क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आया है. यहाँ अगर ही जस्ट, यहाँ पर एक वर्ड आया है जो जस्ट. जस्ट वर्ड जब भी होता है इसका हिंदी होता है तुरंत, अभी, मतलब कुछ देर पहले. तो इस तरह का जो वर्ड होता है, ये जो जस्ट जो है, ये वर्ड हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन एरर क्या है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है. यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही जस्ट वेंट आउट के जगह यहाँ पर होना चाहिए ही हैज जस्ट गॉन आउट. ही हैज जस्ट गॉन आउट पॉजिटिव परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तुरंत बाहर गया है, वह तुरंत बाहर गया है. तो ये सेंटेंस हो गया ही हैज जस्ट गॉन आउट. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. यू डिड नॉट कम्प्लीट योर होमवर्क टूडे. You did not complete your homework today. तुमने आज अपना homework नहीं बनाया. तो you did not complete your homework today. ये है past indefinite tense का sentence. तो past indefinite tense का ये negative sentence है. Negative में क्या होता है, subject plus did plus not plus V1 plus object. तो ये है past indefinite tense का sentence. ये sentence जो है you subject did not complete your homework. Sentence यहाँ से यहाँ तक 100% राइट है. ठीक है, उसके बाद एक जो वर्ड आ गया टुडे. यहाँ जो टुडे आ गया है, टुडे वर्ड जब, क्योंकि आज जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मतलब आज जो है कंप्लीट नहीं हुआ है. क्योंकि आज का दिन जब कंप्लीट हो जाए तब हम लोग, ठीक है, यूज करते हैं पास्ट टाइम का, तब हम लोग यूज करते हैं डिड का, सिंपल पास्ट टेंस का. बट यहाँ पर टुडे अभी तक स्टिल है, इसीलिए हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. जब भी टुडे, आप आज आपने खाना खाया, हैव यू ईटन फूड टुडे, क्या आप आज स्कूल गए, हैव यू गॉन टू स्कूल टुडे, क्या. इट मीन्स दैट यदि टुडे वर्ड आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो हम लोग उसको जो बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे. तो ये हो गया रॉन्ग. यहाँ पर टुडे जो है इसको टुडे के, यहाँ टुडे के कारण हम लोग को इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना होगा. तो डिड को सिंपली क्या कर देंगे, हैव कर देंगे. तो यू हैव नॉट
कंप्लीटेड, क्योंकि इसमें बी थ्री आता है, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क टूडे, आज आपने होमवर्क नहीं किया है या आज आपने अपना होमवर्क नहीं किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, कम टू नेक्स्ट सेंटेंस, यदि आप इसके आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, ठीक है, मैं आप लोगों को चेक करके बता दूंगा आपने सही किए या रॉन्ग किए। तो डिड रामा किल्ड रावणा, क्या राम ने रावण को मारा, तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले राइट किया जाता है। डिड रामा किल्ड, यहाँ पर सेंटेंस, यहाँ पर कॉमन एरर है। अब ये कॉमन एरर क्या है, क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया है, तो एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी डू, डज और डिड आए, जब भी किसी सेंटेंस में वेन एवर डू डज डिड कम्स, यू ऑलवेज टेक एंड यू ऑलवेज राइट भी वन, ओके, अब हमेशा भी वन लिखिएगा फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि डू डज डिड के बाद आने वाली वर्ब्स हमेशा भी वन में होगी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, डू डज डिड के बाद भी वन ही आएंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंपली किल्ड होना चाहिए, डिड रामा किल रावणा, तो ये सेंटेंस कर राइट हो गया, डिड रामा किल रावणा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, सी ईट्स मैंगो, सी ईट्स मैंगो, वह आम खाती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है फ्रेंड। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बी वन या बी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ही सी ईट सिंगुलर नाउन्स के साथ बी फाइव लगाते हैं, आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ बी वन लगाते हैं, तो यहाँ पर सी के साथ ईट्स लगा बी फाइव लगा, यहाँ तो सेंटेंस करेक्ट है, सी राइट्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमन एरर जो यहाँ एरर है यहाँ पर आपको आर्टिकल का, यहाँ पर ओ होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है ओ पढ़ते हैं, ओ आ हर्षई दुर्गई, वो हिंदी वाला ओ ओ ही पढ़ेंगे, इसको ए नहीं पढ़ेंगे, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का सेंटेंस, सी ईट्स ओ मैंगो, सी ईट्स ओ मैंगो। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाते हैं, He is ill from 2 days. वह 2 दिनों से बीमार है, वह 2 दिनों से बीमार है, He is ill from 2 days. तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है, मतलब इसमें कॉमन एरर है, ये कॉमन एरर क्या, ये सेंटेंस ही रॉन्ग है पूरा। जो इस तरह का जो सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, वह 2 दिनों से बीमार है, उसे 4 दिनों से बुखार है, उस तरह का जो सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा अगर है हो हूँ आए तो वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यदि था थे थी आए तो बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यदि गा गे गी आए तो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई थिंक आप समझे नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वह 2 दिनों से बीमार है, तो वह 2 दिनों से बीमार है, तो सिंपली इसका क्या बनेगा, ही हैज बीन इल फॉर 2 days, ही हैज बीन इल फॉर 2 days, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर या सीन्स प्लस टाइम, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, तो इसी के स्ट्रक्चर पर ये बनेगा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट सेंटेंस आ जाते हैं, आई हैड बैड कॉल्ड फ्रॉम यस्टरडे, मुझे कल से जुकाम था, तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, इस सेंटेंस में एरर क्या है, आई हैड, यहाँ तक तो क्लियर है, जुकाम था कब से, कल से मुझे जुकाम था, तो कल से मुझे जुकाम था, तो ये आ गया टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, और ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। तो आई हैड बीन क्या हो जाएगा, आई हैड के बाद बीन लगा देंगे, आई हैड बीन बैड कॉल्ड, तो और यहाँ पर राइट करेंगे सिंस यस्टरडे मॉर्निंग टू, पॉइंट ऑफ टाइम होता है इसके साथ सिंस लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं, माय फादर गो टू ऑफिस डेली, मेरे पिताजी डेली कार्यालय जाते हैं, माय फादर गो टू ऑफिस डेली, मेरे पिताजी कार्यालय जाते हैं, तो इसमें क्या एरर है, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर मिस्टेक है फ्रेंड, माय फादर जो है यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, वी फाइव इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन, वी फाइव का यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ, तो यहाँ पर माई फादर इज अ सिंगुलर पर्सन, दैट्स वाई वी हैड टू राइट हेयर वी फाइव गोज, माई फादर गोज टू ऑफिस डेली, माई फादर गोज टू ऑफिस डेली, तो ये होना चाहिए, यहाँ पर वी फाइव होना चाहिए, यही पर यहाँ पर यही गलती यहाँ पर थी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं,
ही इज हियरिंग, ही इज हियरिंग, वह सुन रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या कॉमन एरर है, इसमें क्या एरर है? तो इसमें एरर है, बहुत बड़ा एरर है फ्रेंड। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आईएनजी कभी भी नहीं यूज होता, कुछ कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ आईएनजी कभी यूज नहीं होता है। तो उसमें से ये हियर जो है एक वर्ब्स है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जा कर के आप देख ले, लिखा होगा जिस वर्ब में आईएनजी कभी नहीं लगता। तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया इनके बारे में। तो यहाँ पर सिंपली ये आईएनजी इसमें तो कभी लगता नहीं है। तो इसका जो भी अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो फिर भी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो इसका क्या होगा सही सेंटेंस, ही हियर्स, ही हियर्स, वह सुन रहा है। हिंदी पर नहीं जाइएगा फ्रेंड, हिंदी इसका वही होगा, वह सुन रहा है ही हियर्स, वह सुनता है ही हियर्स। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इंग्लिश वही होगा, हिंदी अलग अलग होगा। वाई आर यू नॉट स्पीक इंग्लिश, इस सेंटेंस में क्या एरर है? तो इस सेंटेंस में बहुत ही एक कॉमन एरर है, वो क्या है कि देखिए यहाँ फ्रेंड्स, जब भी यदि वाई आर यू अगर इस तरह का फॉर्मेशन हो तो या तो वो कॉन्टीन्यूअस टेंस में, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस टेंस में ही आता है, वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, वाई आर यू नॉट ईटिंग फूड, वाई आर यू नॉट रीडिंग राइट नाउ, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर आई एन जी नहीं लगा हुआ है। यदि हम यहाँ पर आई एन जी लगा दें तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी को अगर आई एन जी नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डू राइट करना होगा। तो हो जाएगा वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो। यदि यहाँ पर आई एन जी लगाइएगा तो इसका हिंदी क्या होगा, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे हो। तो ये था कॉमन एरर। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यदि आप इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट टू करके टाइप कर दीजिए। मैं इस कॉमन एरर पर और भी बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया और 9, 10, 11, 12 इस तरह के जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।